हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में आप लोग के लिए HSSC का जो आप लोग का सेट का पेपर होने वाला है, मेंस का, जो बच्चे अकाउंट्स से हैं, कॉमर्स जिनका सब्जेक्ट रहेगा, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट ला रही थी। तो इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोग के लिए अपलोड किया था, उसी का आज सेकेंड पार्ट मैं अपलोड करूँगी, जिसमें आपका कुछ और नए क्वेश्चन होंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग शब्द डैश को संदर्भित करता है। द टर्म मार्केटिंग रिफर्स टू डैश। यहाँ पर आपको बताना है कि आपने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा होगा, तो मार्केटिंग जो होती है उसमें, हाँ, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या काम किए जाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, या संदर्भित रेफरेंस पूछ रहा है कि मार्केट शब्द से अगर हम बात करें तो क्या रेफरेंस निकलता है। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज, अ न्यू प्रोडक्ट नीड्स आइडियाज, डेवलपमेंट्स कॉन्सेप्ट एंड इम्प्रूवमेंट्स, सेल्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन, अ फिलोसफी दैट स्ट्रेसेस कस्टमर्स वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर जो विपणन या मार्केटिंग शब्द है उसमें क्या चीज़ आएंगी, तो यहाँ पर क्या होता है, मेन जो इम्पॉर्टेंट होता है मार्केटिंग का काम, आज पहले के टाइम में तो ये रहता था कि सिर्फ हमने सेल कर दिया और जो है जो भी हमने परचेस किया, यानी कि बाई और सेल, दो ही चीज़ों को जो है शामिल किया जाता था मार्केटिंग में। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि कंज्यूमर जो है वो जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, वही मार्केट का राजा माना जाता है, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में मार्केटिंग का जो मेन एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ये कि कैसे कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर सकें, इस तरह के प्रोडक्ट की सेवाएँ दें, इस तरह के सर्विसेज दें, इस तरह के प्रोडक्शन हों कि जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके, उसके सेटिस्फैक्शन से हमको लाभ मिले, क्योंकि जब वो सेटिस्फाइड होगा तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अपनी वस्तु जो भी हम बना रहे होंगे उसको वो परचेस करेगा। इसलिए जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी को ही वो संदर्भित करता है। तो कई तरह से यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा की एक उपयुक्त परिभाषा का चयन करें। सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ वांट। मोर कंज्यूमर नीड्स, नीड बैक्ड बाय बाइंग पावर, नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट, बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। तो जो इच्छा होती है, आपने डिमांड पढ़ा होगा या इसमें भी आपके कंज्यूमर बिहेवियर में भी आएगा, मार्केटिंग में भी आएगा, किसी भी चीज़ की डिमांड तो बाद में आती है, पहले हमें उस चीज़ की वांट होती है, हमें आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, इच्छा होती है उस चीज़ की, तभी हम जो है वो हमारे डिमांड में परिवर्तित होगी, चेंज होती, कन्वर्ट होती है, उसके बाद हम उसको मार्केट से परचेज करते हैं। तो यहाँ पर जब वांट की बात आ रही है तो उसकी एक सही परिभाषा क्या होगी वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर अधिक उपभोक्ता आवश्यकताएं, इच्छा की यथाशक्ति से जुड़ी होती है, उत्पाद के निर्देशित आवश्यकताएं, बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं। तो यहाँ पर जो इच्छा होगी उससे क्या होगा कि उत्पाद के लिए निर्देशित आवश्यकता होती है, नीड्स डायरेक्टेड टू द प्रोडक्ट। जब हमें किसी प्रोडक्ट की नीड होती है तभी, यानी कि वांट जो होगी हमारी, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, वही हमारी वांट बनती हैं, वही हमारी डिमांड में कन्वर्ट होती है, फिर हम मार्केट से उस चीज़ को परचेस करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणक अक्सर ग्राहकों के विभिन्न समूहों को कवर करने के लिए डैश शब्द का प्रयोग करते हैं। मार्केटर्स ऑफन यूज द टर्म डैश टू कवर वेरियस ग्रुपिंग्स ऑफ कस्टमर्स, बाइंग पावर, डेमोग्राफिक सेगमेंट, मार्केट, पीपल। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो विपणक, यानी कि जो विपणन का काम कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाता है आप लोगों का मार्केट, यानी कि जो बाज़ार होता है। बाज़ार में अलग अलग जो है उसके सेगमेंट किए जाते हैं, जिसे बाज़ार भक्तिकरण कहते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। तो अलग अलग बेसिस पे होते हैं, उनकी एज के बेसिस पर भी हो सकता है, उनकी डिमांड्स के बेसिस पर भी हो सकता है, उनके जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, उसके बेसिस पर भी हो सकता है। बहुत से अलग अलग बेसिस हैं जिसके उस पर जो अलग लोगों को बांटा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं बनाए जाते हैं, प्राइस डिसाइड किया जाता है, टारगेट किया जाता है मार्केट को, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पर यहाँ पर का एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा विपणन सावधानीपूर्वक योजना और डैश का परिणाम है। गुड मार्केटिंग इज नो एक्सीडेंट बट रिजल्ट ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड डैश प्रमोशन सेलिंग पॉलिसीज एग्जीक्यूशन। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि कोई भी अच्छा विपणन जो होता है, या मार्केटिंग किसी की अच्छी है, कोई कंपनी है जिसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से उनके ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में जो सेल होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या चीज़ होती है। तो एक वो योजना होती है, प्लानिंग होती है, जो अच्छे से तैयार की जाती है, जिसको स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। तो मार्केट से निपटने के लिए, जो कॉम्पिटिशन है उससे निपटने के लिए, मार्केट में अपना ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनाने के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। तो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना ही काम नहीं होता है कि हमने एक प्लानिंग तैयार कर ली, जैसे कि एग्ज़ाम के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी तो अपनी बना लेते हैं, लेकिन अगर
लोग उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उसके अकॉर्डिंग अपना काम नहीं कर पाए, वैसे तैयारी नहीं कर पाए। ऐसे टाइम टेबल तो हम लोग बनाते हैं लेकिन क्या उसको फॉलो कर पाते हैं, उसको हम लोग कम्प्लीटली वैसे ही फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमारी रह जाती है। तो वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ की हमने योजना तो बना ली लेकिन उसको एग्जीक्यूट जब किया जाता है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या हमारा एग्जीक्यूशन अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो यहाँ पर एक प्लानिंग के साथ साथ क्या होता है, एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छी मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल का परिवहन और भंडारण निम्नलिखित में से किस मार्केटिंग चैनल का हिस्सा है? ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग गुड्स इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग चैनल फंक्शंस? इन्वेंट्री चैनल, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वेयरहाउसिंग चैनल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गुड्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना और उनको उनका भंडारण करना, जो स्टोर में उनको रखा जाता है, तो वहाँ पर ये मार्केटिंग जो होती है, मार्केटिंग के बहुत से काम होते हैं, बहुत से उसके चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू मार्केटिंग का कार्य होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये किसके अंतर्गत आएगा कि जो उसका ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग है। तो यह आ जाएगा आप लोगों का स्कैन चैनल, प्रत्यक्ष वितरण चैनल, भौतिक वितरण चैनल या फिर वेयरहाउसिंग चैनल। तो ये आ जाता है आप लोगों का भौतिक वितरण चैनल में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय प्रक्रिया तब शुरू होती है जब क्रेता एक डैश को पहचानता है। द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन द बायर रिकॉग्नाइजेस ए डैश प्रोडक्ट आर सर्विस शॉप आर मार्केट नीड आर प्रॉब्लम मनी आर स्टेटस। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो बाइंग की प्रोसेस होती है वो कब शुरू होती है, जब आप ही हैं किसी भी चीज़ को जब खरीदना चाह रहे होते हैं तो उसको खरीदने से पहले ही उसकी प्रोसेस जो होती है, कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि मार्केट में लोग जाते हैं अचानक से ही देखते हैं और ख़रीद लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जब हम परचेस करने जाते हैं तो उसकी पहले पूरी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उस पर रिसर्च भी करते हैं, उसके बाद हम जा करके उस वस्तु को ख़रीदते हैं। तो किसी भी चीज़ की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है सबसे पहले कि नीड आर प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले आपको उस चीज़ की नीड होनी चाहिए, कुछ आपको चाहिए होगा, जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट की बुक मार्केट से परचेस करेंगे तो पहले आपको नीड हुई कि हाँ आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको प्रॉब्लम हो रही है अपनी प्रैक्टिस करने में, तो आपको प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट चाहिए हैं, तो आपको नीड हुई, तब आपने उसको क्या किया, सर्च किया कि किसकी अच्छी बुक है, कहाँ से हम खरीदें, कैसे हम जो प्रैक्टिस करें अपनी, तो वो आगे आपने उस पर रिसर्च करी, उसके बाद आपने उसको परचेस किया। जो भी चीज़ें होती उसको अपनी प्रैक्टिकल, या कॉमर्स जो है बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अपनी प्रैक्टिकल अपनी डेली लाइफ से जोड़ करके उन्हें देखा करिए, आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। कहीं पर भी आप अगर स्टक हो जाएं, फंस जाएं, नहीं समझ में आ रहा इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसा किया करिए कि उसे अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया करिए, तो आपको आंसर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट का अर्थ है डैश, मोस्ट स्टैंड फॉर डैश। यहाँ पर आपको MOST मोस्ट जो है उसकी फुल फॉर्म बतानी है, मशीनरी ऑफिस स्टाफ एंड टेक्नोलॉजी, मिशन ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स, मैक्सिमम आउटपुट स्ट्रेटजी टूल्स, मैनेजर ऑपरेटर सेलर एंड ट्रेडर। जो मोस्ट है उसकी फुल फॉर्म बताइएगा, फुल फॉर्म भी काफ़ी आती है, और एक और फुल फॉर्म है जो काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, स्वाट की। स्वाट की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि स्वाट की फुल फॉर्म क्या है, काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं स्वाट से भी क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इंक्लूड करूँगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट है, मोस्ट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मिशन ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स, यानी कि एक हमने मिशन, हमारा एक जो है उद्देश्य हो गया, एक टारगेट हो गया, और हमने उसके लिए रणनीतियाँ बनाई और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम किया। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रक्रिया की शुरुआत होती है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बिगिंस विद डैश, क्लैरिफिकेशन ऑफ द सिचुएशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफिकल्टी, आइसोलेशन ऑफ द कॉज। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम जो है हमारी उसको सॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है, ये तो हमें पता चल गया कि किसी भी चीज़ की जो हम परचेस कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत क्या होती है, पहले नीड होगी या कोई प्रॉब्लम होगी वहाँ से होगी। लेकिन हम यहाँ पर जो बात हो रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उस प्रोसेस की स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, स्थिति का स्पष्टीकरण करके, विकल्पों की स्थापना करके, कठिनाई की पहचान या फिर कारणों का अलगाव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो कठिनाई की पहचान, यानी कि जो प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, उसको आइडेंटिफाई करके कि क्या हमारी समस्या है, इसको समस्या की पहचान भी कह सकते हैं आप, समस्या की या कठिनाई की पहचान करके जो है उसकी शुरुआत होती है, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट वॉज पब्लिश्ड बाई विलियम गिलबर्ट, हेनरी फ्योल, FW टेलर, रॉबर्ट ओएन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, बुक भी आपसे पूछ सकता है, तो हेनरी फ्योल की और जो FW टेलर हैं, इन सब की बुक्स आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन बुक से अक्सर आता ही आता है,
यहाँ पर जो द साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट है, ये किसकी बुक है? ये हो जाएगी विलियम गिलबर्ट की। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रस्ताव समाप्त हो सकता है एन ऑफर में लैप्स बाय डैश रिवोकेशन काउंटर ऑफर रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रस्ताव होता है, कोई प्रपोजल होगा, कोई ऑफर है, वो किस तरह से समाप्त हो सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये बिजनेस लॉ से लिया गया है। बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और बिजनेस लॉ का सिलेबस लगभग सेम ही है, तो बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की एमसीक्यू वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप लोग चाहे तो वो देख सकते हैं, काफ़ी आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। उसमें जो क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराई है, तो आपका ये तैयार हो जाएगा जो बिजनेस लॉ वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर इसमें जो प्रस्ताव या ऑफर समाप्त होता है, तो इन तीनों ही तरीके से समाप्त होता है। रिवोकेशन यानी कि निस्तारण कर दे, काउंटर ऑफर कोई दूसरा ऑफर उस पर कर देता है, या फिर जो प्रस्ताव करता है जिसने ऑफर किया है वो खुद ही अपने ऑफर को रिजेक्ट कर देगा। तो तीनों ही तरीकों से समाप्त हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया एक अवैध के साथ ठहराव होता है ऑर्डिनरी ए माइनस एग्रीमेंटेस डैश वाइड अब इनिशियो वाइडेबल वैलिड अनलॉफुल। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो एक माइनर होता है यानी कि जिसकी एज 18 ईयर्स से कम होगी, उसके साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है, कोई ठहराव किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? तो जो भी ठहराव एक अवैध के साथ एक माइनर के साथ किया जाता है, वो स्टार्ट से ही क्या होता है? व्यर्थ होता है, आरंभ से ही शून्य होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसीलिए कहा भी जाता है कि क्या अवैस्कता एक वरदान है। एक लाइन पूछी जाती है कि अवैस्कता एक वरदान है, इसीलिए वरदान है क्योंकि अगर उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट, तो वहाँ पर वो आरंभ से ही व्यर्थ होता है। तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई दंड या कोई भी चीज़ जो होती है, वो उसको जो भी माइनर है उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके साथ जो किया गया था एग्रीमेंट वो आरंभ से ही स्टार्ट से ही क्या था? इनवैलिड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ किसी पक्ष की सहमति मिथ्यावरण से प्राप्त होती है, अनुबंध है, वेयर द कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड वाइड वाइडेबल इलीगल। क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर आपने जो पढ़ा होगा बिजनेस लॉ में, तो एक चीज़ पढ़ी होगी, जो कंसेंट होता है तो वो फ्री होना चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, किसी तरह दबाव में, उत्पीड़न से, बल द्वारा, इस तरीकों से, मिथ्यावरण के द्वारा या कपट के द्वारा, फ्रॉड करके लिया गया है, तो क्या होगी? वहाँ पर जो भी एग्रीमेंट है वो पूरी तरह से वैध नहीं माना जाता है। तो ये पूछ रहा है कि अगर जो है इस तरह से लिया गई है सहमति, तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैध नहीं हो जाता है, वाइडेबल होता है। अच्छा, आप लोग को कन्फ्यूज़न होगी कि वैडेबल होना क्या होता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि वर्थनी या फिर वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, कि जैसे कम से कम दो पार्टीज़ तो होती ही हैं किसी भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कोई भी एग्रीमेंट किया गया, उसके लिए पहले तो एग्रीमेंट होगा, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहाँ पर जब किसी एक पार्टी की चाह रही है कि उसको जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो भी एग्रीमेंट किया गया, उसको प्रवर्तनी वो कराए, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो नहीं चाह रही, तो यानी कि किसी एक की इच्छा पर क्या होगा? प्रवर्तनी होता है और दूसरा की इच्छा पर प्रवर्तनी नहीं होगा, तो वो आपका क्या कहलाता है? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वहीं दूसरा जो आप लोग का एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, व्यर्थ अनुबंध होगा, दोनों के पीछे डिफरेंस समझ लीजिए। तो वहाँ पर जो कोई भी किसी भी तरह का कानून, कोई भी लॉ के इन्फोर्स हो जाने पर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इन्फोर्सेबल नहीं होगा, यानी कि कोई भी लॉ वहाँ पर लागू हो रहा है, कोई अधिनियम लग रहा है, जिस वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को हम जो है परिवर्तित नहीं करा सकते, इसलिए वो क्या कहलाता है? वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर क्या है, वो हो जाएगा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रस्ताव एक निश्चित व्यक्ति को दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है व्हेन ऑफर इज मेड टू ए डेफिनेट पर्सन इट इज नोन एज डैश जनरल ऑफर क्रॉस ऑफर काउंटर ऑफर स्पेशल ऑफर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई भी प्रपोजल किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के सामने ही रखा जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के सामने ही रखा जाएगा, तो वो प्रपोजल क्या कहलाता है? सामान्य प्रस्ताव, क्रॉस प्रस्ताव, प्रति प्रस्ताव या फिर विशेष प्रस्ताव? तो वो हो जाता है स्पेशल ऑफर। एक होता है जनरल ऑफर, दूसरा होता है स्पेशल ऑफर। जनरल ऑफर में क्या होता है? जो सबके लिए खुला होता है, कि कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें निविदा मूल्य निकले होते हैं, टेंडर निकले होते हैं, तो टेंडर में जो है गवर्नमेंट के थ्रू निकाले जाते हैं कि कोई भी चाहे उसमें अपना जो टेंडर है वो भर के दे सकता है, जिसका भी निकलता है, आगे जो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो उसको देखिएगा। तो वो चीज़ हो जाती है आपकी एक सामान्य प्रस्ताव, जनरल प्रपोजल होता है, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी स्पेशल व्यक्ति से, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से ही आप कह रहे हैं कि आपको कोई सपोज कर लीजिए कार को जो है सेल करना है अपनी, आप किसी एक व्यक्ति से ही बात कर रहे हैं कि आप अपनी कार उसको सेल करना चाहते हैं, उसके सामने अपना प्रपोजल रख रहे हैं, तो क्या है वो आपका विशेष ऑफर हो जाएगा, स्पेशल ऑफर हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
और जो काउंटर ऑफर होता है कि जब आपने कोई प्रपोजल रखा, सपोज़ कीजिए एक कार का लिया हमने एग्जांपल, आपने कार का प्रपोजल रखा कि आप जो अपनी कार 1 लाख रुपीज़ में जो है उसको सेल करना चाहते हैं, वो आपके सामने काउंटर ऑफर रख देता है कि नहीं वो 1 लाख में नहीं, वो 80,000 80,000 में ही क्रैक करेगा आपकी, परचेस करेगा आपकी कार को, तो वो चीज़ हो जाएगी काउंटर ऑफर, यानी कि ऑफर पर ही दूसरा ऑफर आना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है अगले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग 4 ईयर्स 6 ईयर्स 8 ईयर्स 10 ईयर्स। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो लॉन्ग टर्म लॉस होता है उसको जो आगे हम लेकर जाएंगे तो कितने वर्षों तक लेकर जा सकते हैं, तो उसे हम 8 वर्षों तक आगे लेकर जा सकते हैं और उसको हम रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सट्टा व्यापार की हानि की पूर्ति की जा सकती है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ स्पेकुलेटिंग बिजनेस, इनकम ऑफ नॉन स्पेकुलेटिंग बिजनेस, इनकम ऑफ एनी हेड नॉट फ्रॉम एनी इनकम। जो सट्टा व्यापार होता है, जो गैम्बलिंग होती है, तो यहाँ पर पूछ रहा है जो स्पेकुलेशन है उसका जो बिजनेस है उसकी जो सेट ऑफ करना है उसको हम किसकी इनकम से कर सकते हैं, तो यहाँ पर उसे सिर्फ हम जो स्पेकुलेशन बिजनेस होगा उसी से ही कर सकते हैं और किसी भी बिजनेस से हम नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन धारा वर्ष 2022-23 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती की राशि है। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 द मैक्सिमम परमिसिबल रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 79,000, 1,12,000, 1,50,000, 80,000। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप लोग के सेक्शंस दे रखे हैं इनकम टैक्स में, जहाँ पर 80C से 80U तक की दे रखी हैं, जहाँ पर लोग डिडक्शंस देते हैं, जो हम लोग की ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती है उसमें डिडक्शन दे करके 80C से 80U तक की हमारी क्या निकलती है, टोटल इनकम निकलती है, इस पर हम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 80C की जो है उसकी अधिकतम सीमा क्या है, क्योंकि जितनी भी आपने सेक्शंस पढ़ी होंगी उस समय मैक्सिमम लिमिट बताई हुई है, 80C की जो मैक्सिमम लिमिट है वो हो जाएगी 1,50,000, 1,50,000। आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग का नियंत्रण करता है हु कंट्रोल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स कमिश्नर, CBDT, ITO, नन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आयकर विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उस पर कंट्रोल कौन रखता है, आयकर आयुक्त, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, आयकर अधिकारी, कोई नहीं। तो उस पर नियंत्रण कौन रखेगा, जब भी आयकर की बात होगी तो उस पर नियंत्रण रखता है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, इसे CBDT बोलते हैं। इसके डिटेल में बोलेंगे जो उसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि CBDT की फुल फॉर्म क्या है, तो हो जाएगी प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर पदाधिकारियों में सर्वोच्च पदाधिकारी है, टॉप अथॉरिटीज इन इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, चीफ कमिश्नर। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, तो यहाँ पर जो पूरा कंट्रोल रखेगा वही सर्वोच्च पदाधिकारी भी होगा। दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किए जिससे कि कोई कन्फ्यूजन आप लोग को ना रहे। तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपका CBDT ही रहेगा, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की दशा में आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि है, ड्यू डेट फॉर फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इज 13 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति होने की दशा में कोई आयकर आपको जो है रिटर्न जो होगा वो फाइल करना होगा, तो उसकी डेट क्या रहती है, उसकी डेट हो जाएगी 31 जुलाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉटरी की जीत पर कटौती की दर है, रेट ऑफ TDS ऑन लॉटरी विनिंग इज 10%, 25%, 30%, नन। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो लॉटरी होती है उस पर जो TDS कटता है तो उसकी कितनी जो है परसेंटेज होती है, तो उसकी परसेंटेज हो जाती है 30% की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मेड बाई एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स पेयर। क्वेश्चन में कह रहा है जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है तो किसके द्वारा की जाती है, कौन उस कटौती को करता है, तो उस कटौती को जो करता है जो एम्प्लॉयर होता है, जो नियोक्ता होता है, जिसने आपको हायर किया होगा वो करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि उसका ही लायबिलिटी होती है कि जो भी टैक्स वहाँ पर बन रहा है उसको काट करके वो गवर्नमेंट के उसमें डिपॉजिट कर दे। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैट बोनस योजना मिश्रित रूप है, गैट बोनस प्लान इज द मिक्स फॉर्म ऑफ डैश, टोन एंड टेलर्स प्लान, हाउसले एंड रोन प्लान, हाउसले एंड टेलर्स प्लान, इमर्सन एंड बिडक्स प्लान।
क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गैट बोनस योजना होती है, आपने पार्श्व की पद्धतियाँ पढ़ी होंगी, जो पेमेंट की मेथड्स पढ़े होंगे, कॉस्ट में भी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी है, तो वो उसमें जो है गैट बोनस योजना किन दो को मिला करके बनाई गई है, तो वो हो जाएगी हालसे और रोवन योजना। बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, तो ये किसका मिश्रित रूप है, वो हो जाएगा हालसे और रोवन का। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षा संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है कि आय किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। द इनकम ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉन प्रॉफिट मोटिव इज एग्जेम्प्ट अंडर विच सेक्शन, 10 सबसेक्शन 23C, 10 सबसेक्शन 80G, 10 सबसेक्शन 10B, 10 सबसेक्शन 23D। तो क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि एक शिक्षा संस्थान कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि लाभ कमाने यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से नहीं बनाया गया है, तो उसकी जो इनकम होगी वो किसके अंतर्गत टैक्स फ्री होगी, जो आपको बतानी है उसकी धारा, तो उसके जो सेक्शन होगा वो हो जाएगा 10 सबसेक्शन 10B। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ट का आविष्कार कब हुआ था। पर्ट वॉज इन्वेंटेड इन द एयर, 1912, 1925, 1958, 1963। जो पार्ट है, पहले तो उसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए, प्रबंध से मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, कि जो प्रोग्राम बनाया है उसका मूल्यांकन करने की एक तकनीकी होती है, मूल्यांकन और परीक्षण करने की एक तकनीकी होती है, पार्ट कहलाती है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में ये भी। तो इसका इन्वेंट कब हुआ था, कब आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था 1958 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का सर्वाधिक सीमा तक कुशल आवंटन प्राप्त किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड इफिशियंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इज अचीव्ड अंडर, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी संसाधन अवेलेबल होते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको सबसे अच्छे ढंग से एफिशिएंसी के साथ उनका आवंटन किस में किया जा सकता है, किस प्रतियोगिता में किया जा सकता है। तो आपने पढ़े होंगे इनकम टैक्स में अलग अलग कंपटीशंस के बारे में, अल्पाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक या फिर पूर्ण प्रतियोगिता। तो यहाँ पर जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, उसमें कुशल आवंटन हो सकता है। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है। कपार्ट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, प्लानिंग ऑफ कमीशन, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कपार्ट CAPART है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो ये किसके अधीन कार्य करती है, ये करती है कृषि मंत्रालय के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर में कार्य करती है। तो इसका काम क्या होता है, जन सहयोग से ग्रामीण प्रौद्योगिकी का सब चीज़ों का विकास करना। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू एक्स माइनस 12x तथा y इज इक्वल टू y माइनस 12y तथा युग्म पदों की संख्या n हो, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फार्मूला एक आपको जो है दिखा बताना है कि क्या होगा। तो आप फार्मूला देख के अंदाजा आपको लग गया होगा, तो किसका फार्मूला है, कोरिलेशन का फार्मूला निकालना है। तो आपको यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर जो सही फार्मूला है वो हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्राइम सिग्मा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है वो कोरिलेशन निकालने का सही फार्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ठेका 50% पूर्ण है तो सामान्यतः लाभ के निम्न में से कौन राशि क्रेडिट की जाती है। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर इज यूजली 50% ऑफ द एस्टिमेट प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, 2/3 ऑफ द अर्न प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट रेशियो, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो कोई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपने पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो पढ़ी होगी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो वहाँ पर पूछ रहा है कि अगर 50% ठेका जो है वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो कितना जो प्रॉफिट होगा वो उसकी कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा, तो जो कह रहा है 50% नहीं किया जाता, ना ही अनुमान लाभ की रकम की जाती है, नगद अनुपात गुणा भी नहीं किया जाता, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो कितनी राशि की जाती है एक्चुअल में, तो की जाती है जितना भी उसने प्रॉफिट अर्न किया होता है उसका 1/3 लेकर के जाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन गलत है। आपको ये बताना है कि इसमें जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कंट्रोल इज ए बैकवर्ड लुकिंग एक्टिविटी, कंट्रोल इज कंसर्न विद कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल इज ए फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी, कंट्रोल एंड प्लानिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो आपसे ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है कि नियंत्रण एक प्रतिगामी क्रिया है, करेक्ट है। नियंत्रण समन्वय से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नियंत्रण अच्छा होगा, समन्वित ढंग से काम होगा, तभी हम अच्छे से नियंत्रण भी रख पाएंगे। नियंत्रण एक अग्रगामी क्रिया है, बिल्कुल लगातार चलता रहता है। नियंत्रण और नियोजन एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो ये गलत है। नियंत्रण नियोजन एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, नियोजन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छे से हम नियंत्रण भी रख पाएंगे, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिगमन गुणांक -0.8 तथा -0.2 हो तो सहसंबंध गुणांक आर का मान होगा। यहाँ पर आपको कोरिलेशन की वैल्यू निकालनी है कि कितनी आएगी। इफ़ टू रिग्रेशन कोफिशियंट आर -0.8 एंड -0.2, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट आर इज -0.4, 0.16 +0.4, -0.16। तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जब प्रतिगमन गुणांक दे रखे हो तो उससे जब सहसंबंध हम निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट BXY इंटू BYX। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का आपका 0.8 है इंटू -0.2 अंडर रूट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका रूट निकाल लेंगे। तो रूट निकालने पर कितना हमारा आंसर आएगा, 0.4 आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। और किसी टॉपिक पर अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और फ्रेंड्स को वीडियो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।